जिला समाज कल्याण चाईबासा की झांकी दूसरे नंबर पे। आप सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी थीम ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण की है। हम अपने पहले झांकी में देख सकते हैं सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन उम्दा झांकी कि कैसे एक रोड एक्सीडेंट को दिखाया गया और कैसे एक पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए क्यों जरूरी है खुद का ख्याल रखना और मानकों का ख्याल क्यों रखना जरूरी होता है। बहुत ही उम्दा बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हुए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की पूरी टीम सुरक्षा के घर नियम को अपनाओगे जिंदगी पाओगे खुशियां मनाओगे। सड़क सुरक्षा के घर नियम को अपनाओगे जिंदगी पाओगे खुशियां मनाओगे। दूसरी झांकी है समाज कल्याण विभाग की, जिसमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण को विशेष रूप से दर्शाया गया है। इसमें लाल गोली दिया जाना है, किशोर किशोरी को नीली गोली दी जानी है, 10 साल की बच्ची को गुलाबी गोली दी जानी है, 6 माह से लेकर गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। ये समाज कल्याण विभाग की झांकी में हम देख सकते हैं। स्वास्थ्य ही हमारा धन है, हमारी दूसरी झांकी में हमने देखा। तीसरी झांकी सूचितों को दर्शाती है। वीर शहीद पोटोहो का जन्म जगन्नाथपुर प्रखंड के राजबासा में हुआ था। वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक घाटी युद्ध के नायक थे। 18 नवंबर 1837 को टोंटो प्रखंड की सेगस घाटी में अंग्रेजी फौज के साथ हुए भीषण छापामार युद्ध का नेतृत्व पोटोहो ने किया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद पोटोहो की स्मृति में राज्य सरकार ने वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया चाईबासा की धरती के वीर शहीद पोटोहो को हमारा सत सत नमन। उसके पीछे झांकी कृषि विभाग की है। उसका थीम है समय की बहुत खूब उम्दा हमारे उम्दा कलाकार। जिला कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं आत्मा के संयुक्त तत्वाधान झांकी की प्रस्तुति हमारे सलामी मंच से गुजरती हुई, जिनकी विभिन्न बिंदु है समय की कृषि प्रणाली अपनाएं जोखिम हटाएं। पूरे साल रोजगार पाना है तो समेकित कृषि प्रणाली को अपनाना होगा। लगातार आमदनी प्राप्त करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं। कृषि फॉर्म पर उपलब्ध समग्र संसाधनों का उपयोग समेकित कृषि प्रणाली के संग समेकित कृषि अपनाएंगे गरीबी दूर भगाएंगे। समेकित कृषि अपनाएंगे रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे। रोजगार समेकित कृषि प्रणाली के साथ कुपोषण दूर भगाएंगे। समेकित कृषि प्रणाली अपनाएंगे।
हमेशा रहे खुशहाल समेकित कृषि प्रणाली के साथ। बहुत ही खूब। अगली झांकी जल जिला जल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध एवं आवश्यकता अनुसार पेयजल मुहैया कराना है। विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों ग्राम पंचायत भवन स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक भवनों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना, नल कनेक्शनों के कार्यशीलता की निगरानी करना, सुरक्षित पेयजल की महत्व के बारे में आमजनों में जागरूकता पैदा करना, इसी उद्देश्य के लिए आज की झांकी का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की झांकी। कोरोना या किसी भी संक्रमण से बचाव के तरीके हैंड वॉशिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की झांकी। कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में हम कोरोना से जितना डर रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है। हमारा मूल कोरोना डिप्लोमेसी की ओर बहुत ही खूब उम्दा प्रदर्शन। हम अपने झारखंड के कलाकारों को अपने सामने देख सकते हैं नृत्य करते हुए, संथाली डांठा नृत्य छद्म जंग से संबंधित। तालियां बजती रहे, हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन आपको करना है, ऊर्जा का आदान प्रदान करना है। छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कराता हुआ या छाती या दिखाता है कि आपदा में भी विभाग के द्वारा इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी गई। विद्यालय बंद हुए तो क्या हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, इस संदेश को परिभाषित करता हुआ या छाती जिले के उन तमाम शिक्षा कर्मियों अभिभावकों एवं बच्चों को समर्पित है जिन्होंने अल्प संसाधनों में भी शिक्षा के महत्व को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। जिला ग्रामीण विकास की अंतिम झांकी हमारे सलामी मंच से गुजरने वाली है। अपने तमाम आगंतुकों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तालियां बजाते रहें, उत्साह वर्धन में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे कलाकार मन लगाकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, आपका उत्साह वर्धन करना फर्ज है। विभाग की योजना की सलामी मंच के करीब हमारे अतिथि महोदय से देख रहे हैं। बहुत ही समग्रता से इस झांकी में सब कुछ प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण योजना, शौचालय, दीदी बाड़ी योजना,
सरकार की योजनाओं को कैसे एक समाहित रूप में, एक झांकी ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं। जोरदार तालियां, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना इस विभाग ने मेहनत की है उसे उत्साहवर्धन करना बहुत जरूरी है।